हैं फुल पब्लिक रिएक्शन के भाई लुमड़ी लुमड़ी अरे ओ भाई ओ भाई फाड़ो फाड़ो चलो लैला तो यार सुपर बाइक वाली आवाज देती है यार पूरा एकदम सुपर बाइक वाली फील दे देती है सही में। ये देख रहे हो ना गाइस दीदी मतलब घूरे जा रही है यार ये होता है पब्लिक रिएक्शन। मेरा ब्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट ये टनल वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए मस्से ब्लॉग में। एंड गाइस सबसे पहले सभी को हमारा जोहार और नमस्ते। सो गाइस आज हम लोग अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं अपने घर अपने होम टाउन चैवासा से। जी हाँ गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर वापस चैवासा। एंड अभी हम लोग गए थे अपने शरीफ भाई के पास कोकचो। एंड ये कोकचो आपका लगभग 15 किलोमीटर आसपास है चैवासा से। एंड हम लोगों ने अपने शरीफ भाई से मिल लिया है। एंड अभी हम लोगों ने उनसे उनका गोप्रो हीरो लाइन ले चुका है कुछ समय के लिए हम लोग। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे पास समय भी कम है अभी इवनिंग का 5 बजने जा रहा है। सो चलिए जल्दी हम लोग आज का ब्लॉग शुरू करते हैं एंड थोड़ा इस गोप्रो हीरो 9 का लेते हैं मज़ा। सो अभी हम लोग वापस कोकचो से जा रहे हैं चैवासा। एंड सबसे पहले हम लोग भी चैवासा जाके करवाने वाले हैं अपनी लैला की वॉशिंग। अब थोड़ा लैला को नहलाना पड़ेगा गाइस क्योंकि हम लोग रांची से आज सुबह ही चैवासा आए हैं। हम लोग चैवासा लगभग आपका 2:30 तक पहुँच गए थे। एंड अपनी लैला बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। सो इससे पहले नहलाते हैं फ्रेश करते हैं एंड फिर इसे निकालते हैं एंड फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे अपनी लैला को डीबी क्लियर के चंगुल से आज़ाद। तो आज हम लोग खोलने वाले हैं अपनी एग्जॉस्ट की डीबी क्लियर एंड आज लेने वाले हैं फुल पब्लिक रिएक्शन के भाई लुमड़ी। ओह हाय वेट अ मिनट हु आर यू रन लुमड़ी अरे डेंजर लगता है यार जंगल जंगल थोड़ा है। एंड अभी चैवासा में कुछ दिन पहले ही कुछ मंथ पहले ही बोलेंगे अगर आप लोग चैवासा वाले तो आप लोगों को पता होगा न्यूज बहुत आया था चैवासा का कि चैवासा में 3-3 भालू घूम रहा था यार बहुत ही खूब तरह मतलब बहुत ही खूब जोरदार अटैक किया था यार पब्लिक सबको। एंड यार मत पूछो हालत व्हाट्सएप में वीडियो फोटो आया था हम लोग देखे थे यार डर लग गया था। और अभी आप लोग ने देखा ही लोमड़ी पार हुआ। ओ शेट ओ मैन अच्छा वो भालू पार नहीं हुआ यार कहाँ भागते ओ सो चलिए हम लोग कहाँ पर थे। यस आज हम लोग लेने वाले हैं फुल पब्लिक रिएक्शन अपनी डीबी क्लियर हटा के अपनी लैला की। ओहो सो भाई बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो अभी ब्लॉग में। एंड अभी आप लोगों को जो आवाज़ आ रहा है मेरी बाइक का ये आपका विविध डीबी क्लियर वाला आ रहा है। अभी हम लोगों ने डीबी क्लियर खोला नहीं है हम लोग चैवासा पहुंच के वॉशिंग करा के डीबी क्लियर खोलेंगे एंड उसके बाद उधर डीबी क्लियर रिएक्शन हम लोग लेंगे पब्लिक रिएक्शन। आप लोग भी कमेंट में बताइए अभी डीबी क्लियर के साथ भी कैसा आवाज़ आ रहा है हमारी एग्जॉस्ट का हमारी लैला का एंड फिर विदाउट डीबी क्लियर वो तो भाई देख ही लेंगे। एंड आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा था। अभी शाम हो रहा है माहौल काफ़ी सही सेट है एंड आई होप हम लोग ज़्यादा लेट ना हो जाए यार फिर नहीं तो यार ब्लॉग फिर अंधेरे में मज़ा नहीं आएगा। सो जल्दी पहुंचते हैं हम लोग चैवासा। एंड गाइस
बहुतों को पता होगा कि डीबी क्लर क्या होता है, एंड जिन नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो डीबी क्लर होता है, हम लोग जब अपने बाइक में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट या फिर अलग से कुछ और भी एग्जॉस्ट हम लोग लगाते हैं अपने ओरिजिनल एग्जॉस्ट हटा के, सो एग्जॉस्ट भी दो टाइप्स के आते हैं, एक आपका विद डीबी क्लर आता है एंड एक आता है विदाउट डीबी क्लर। सो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग को अगर एग्जॉस्ट लगाना है तो आप लोग विद डीबी क्लर वाला एग्जॉस्ट लगाइए, जस्ट बिकॉज डीबी क्लर जो होता है वो आपका एग्जॉस्ट आवाज़ को कंप्रेस करता है, दबाता है, ज़्यादा लाउड होने नहीं देता है। सो मुझे वो सही लगता है, क्योंकि अगर आप लोगों को लाउड आवाज़ चाहिए तो डीबी क्लर खोल दो, या फिर आप लोगों को जब लगे यार काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो यार डीबी क्लर लगा लो, सो आवाज़ फिर कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। सो इसलिए डीबी क्लर मुझे सही लगता है, एंड मैंने भी अभी जो लगा के रखा है अपनी NS में एग्जॉस्ट, वो एक्राफोबिक का है विथ डीबी क्लर वाला। सो बस अब पब्लिक रिएक्शन वीडियो लेते हैं हम लोग चवासा पहुंच के डीबी क्लर हटा के। ओ एंड आप लोगों ने अगर पहला वाला मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, मैंने जब NS में अपना फर्स्ट एग्जॉस्ट लगवाया था वो आपका था स्टिंग रेसिंग का, एंड मैंने उसे अभी हटा दिया है जस्ट बिकॉज गाइस उसमें डीबी क्लर था नहीं, एंड वो तो भाई मत पूछो फाड़ू, जो एग्जॉस्ट आवाज़ था भाई कान फाड़, मतलब यार 10-15 के स्पीड में जा रहा था ऐसा लग रहा था कि भाई मत पूछो, इसलिए यार वो बहुत ही ज़्यादा लाउड हो गया था। मुझे भी पहले ये सब के बारे में आइडिया नहीं था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद लगाया, तब जाके मुझे ये सब पता चला। सो इसलिए मैंने अभी उसे हटा दिया है स्टिंग रेसिंग का, एंड अभी मैंने लगाया है एक्राफोबिक का। सो ये सही है डीबी क्लर के साथ, मैं रांची में भी चलाता हूँ गाड़ी तो डीबी क्लर के साथ ही चलाता हूँ, डीबी क्लर हटाता नहीं हो यार क्योंकि रिक्स है, एंड अभी चवासा आ गए तो यार थोड़ा जलवा तो बनता है। सो यार अब ऑडियंस को भी पता भी तो चलना चाहिए कि बिरवा जी वापस आ चुके हैं बैक ऑन चवासा। हम लोग हैं अपने बोधरा चौक में, एंड अभी प्लानिंग में थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं बिकॉज अभी यार ये घड़ी में पानी कब ख़त्म होगा, 5 बज चुका है गाइज, अभी गाड़ी वॉश कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो वैसे सिचुएशन में हम लोग अभी अपना ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सो हम लोगों ने सोचा है कि हमने अपनी लैला को हम लोग कल नहलाते हैं, आज हम लोग पब्लिक रिएक्शन वीडियो कंप्लीट कर ही लेते हैं, ब्लॉग बना ही लेते हैं, लैला को हम लोग कल नहला लेते हैं। सो अभी हम लोग अपने करण भाई को कॉल कर दिए हैं, वो भी आ रहा है, शामिल हो रहा है, हम लोग चलते हैं दोनों, थोड़ा चवासा का राउंड मारते हैं, गिड़िया मारते हैं, एंड अभी हम लोग अपनी लैला की डीबी क्लर खोलते हैं, एंड उसके बाद गाइस रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। थोड़ा गर्म है, गर्म क्या, बहुत गर्म है यार, रांची से पूरा ट्रैवल करके आए अभी भी गाड़ी चला ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। सो ये हमारे पास एलेंकी, चलिए यहाँ एक नट होता है, सो इस नट को खोलने से डीबी क्लर निकल जाएगा पूरा, खोलते हैं अब हम लोग। नट स्लिप हो रहा क्या भाई, एलेंकी तो को बोलने वाला था लेके आओ डीबी क्लर खोलने वाले हैं, अरे इतना स्लिप कर जा रहा है, पता नहीं खुल नहीं रहा है, बहुत खराब स्लिप कर रहा है। आज सोचे थोड़ा रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, और ओ ओ हो गया, देख रहे ना गाइस हमारे गप्पू भाई का कमाल, हमारे मिस्त्री भाई, बहुत मेहनत, कष्ट वाली जिंदगी, हट वापस जरा अंदर बाहर, अंदर बाहर क्या हो रहा है, उठ कहाँ गया इसका, नीचे वाला टू मटेरियल टू, वही तो नहीं, इसीलिए इतना खराब आवाज कर रहा है, ऊपर अंदर रह गया है, और नट कहाँ गया, नट नहीं पता बे, तो गाड़ी मार के फ्लैश ऑन करके देखते हैं, अबे थोड़ा टूटा तो अंदर का अंदर घुस के रह गया क्या एग्जॉस्ट का, दिख रहा है ना अंदर कुछ तो है, वो यही टू है, गाड़ी व्हील मारना पड़ेगा, कैसे उसको निकालेंगे, बहुत मुश्किल है। ओ भाई सो गाइस अपने साथ बहुत खराब सीन हो गया, स्कैम हो गया है, अपना जो डीबी क्लर था इसका यहाँ से, और आपका शायद इतना एक और पार्ट होता है पाइप जैसा, स्टैंड में है ना गाड़ी, नहीं होगा। सो गाइस स्कैम बहुत हार्ड वाला हो गया है अपने साथ, स्टैंड देखो तो निकलना चाहिए,
सो भाई स्कैम ये हो कि अपने साथ अपना जो डीबी किलर था वो आधा टूट के अपने एग्जॉस्ट के अंदर ही रह चुका है, बेंड पाइप के अंदर। सो अब तो लग रहा है इसे लैला को अपनी ले जाना ही पड़ेगा, मिस्त्री दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर रह चुका है, वो पार्ट उसे निकालना होगा। हाँ ये बस ड्राइवर वाला सब भी ना मतलब क्या ही बोले साला, एक तो रोड इतना ख़राब है एंड बस ड्राइवर वाला सब जहाँ तहाँ घुसाता है। देख रहे ना गाइस कितना रफ्तार में रहता है ये बस सब चेवासा में। भाई लोग तो मतलब रोड जैसा भी हो छिड़का के पार तो करना ही है सबको। ओवरटेक देख रहे हो ना गाइस बस वाले का, ओ भाई ओपी ओपी ओपी। अभी ना भाई इधर इधर से आके वाले एक छोटा सा टनल आता है गाइस, उसमें ना मजा आने वाला है भी यार अपनी लैला की आवाज। ओ ये देख रहे हो ना गाइस दीदी मतलब घूरे जा रही है यार, ये होता है पब्लिक रिएक्शन यार। शायद मेरे ख्याल से मेरा ब्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट ये टनल। ओ भाई बहुत हार्ड भाई, डीबी कलर ऐसा चीज है ना उसे हटाने के बाद पता चलता है यार लोगों को कि भाई कुछ तो आ रही है, कुछ तो बहुत भयंकर चीज आ रही है, और वो है यार प्रिनी लैला। देख रहे हो ना यार बच्चे का रिएक्शन भी सही है, वीडियो सब सही है। देख रहे हो ना रिएक्शन, तो भाई आपके भाई को पीछे मुड़ मुड़ के देखा जा रहा है। चलो चलो सो गाइस अभी हम लोग टाटा कॉलेज पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रहा है, पता नहीं है क्या हो रहा है। सो देख रहे ना पब्लिक रिएक्शन दूर से ही भाई मतलब आफत। ओ भाई मुझे पता नहीं आप लोगों को कैमरा में कितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट पब्लिक रिएक्शन तो भाई आफत मिल रहा है दूर से ही, लोग दूर से ही देख ले रहे हैं यार कोई तो आ रहे हैं हर जगह हर जगह। ओ ओ एथलीट एथलीट बहुत हार्ड मेहनत चल रहा है भाई अभी निकाल कर रखे हैं। हम लोग अपने टाटा कॉलेज पहुंच चुके हैं एंड अभी शाम भी ढल रहा है क्या मतलब हो ही चुका है। एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को लैला की डीबी क्लियर हटाने के बाद किस तरह एग्जॉस्ट का आवाज़ आ रहा है। एंड इसी तरह चैनल बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग एंड मज़ेदार वीडियोज़ आते रहेंगे। सो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर एंड और क्या बस बने रहिए।